एक और ऐतिहासिक दिन है, बहुत खास दिन है, क्योंकि आज आजाद भारत ने अपना सबसे बड़ा फैसला लिया है। आप ये भी कह सकते हैं कि आज जम्मू कश्मीर का पुनर्जन्म हुआ है और आज हिंदुस्तान एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि आज केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया है और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है और इसी के साथ जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इसलिए आज सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप दिल्ली में रहते हो या लखनऊ में, आप कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल, चेन्नई, चाहे कहीं भी रहते हो, आज से इस संविधान के लिए हिंदुस्तान के सारे शहर, सारे राज्य एक जैसे हैं, समान हैं, सारे राज्य भारत के अभिन्न अंग हैं। आज से जम्मू कश्मीर और उसका कोई भी शहर आपके राज्य और आपके शहर के मुकाबले खास नहीं रह गया है। आज जी न्यूज पर यह कवरेज बेहद खास है, क्योंकि देश विदेश की भावनाएं इस वक्त जी न्यूज के साथ हैं। हमारा आज का हैशटैग है कश्मीर में तिरंगा। हमने आपसे आज दिन में कहा था कि अपनी भावनाएं आप इसी हैशटैग के साथ व्यक्त करें और हमारे लिए ये गौरव की बात है कि इस समय सबसे ज्यादा लोग कश्मीर में तिरंगा इसी हैशटैग के जरिए कश्मीर और आर्टिकल 370 पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। डीएनए का यह खास कश्मीर विशेषांक आज आपकी सुविधा के लिए हमने तीन हिस्सों में बांटा है। आज आपके लिए पूरे मसले को विस्तार पूर्वक लेकिन सरल विश्लेषण के जरिए समझने का यह मौका है। पहले हम आपको यह बताएंगे कि आज जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है उसका मतलब क्या है, वो फैसला क्या मायने रखता है और वो कैसे लिया गया। इसके बाद हम आपको इस बदलाव से होने वाले नतीजे के बारे में बताएंगे, लेकिन आज आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर अनुच्छेद 370 की विदाई में इतना समय क्यों लगा, यानी कश्मीर से जुड़े इस क्रांतिकारी कदम को समझने के लिए आज एक बार फिर आपको कश्मीर का इतिहास एक छात्र की तरह समझना होगा। आज आपको समझना चाहिए कि जब अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया तो कश्मीर के नेता इस स्पेशल को सेपरेट स्टेटस कैसे समझ बैठे। किसी भी देश के नागरिकों के लिए ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब अचानक उन्हें अपार खुशियां मिलती हैं। ये किसी त्योहार जैसी खुशी है, किसी वर्ल्ड कप में विजय जैसी खुशी है। हर आम और खास आदमी आज कश्मीर से जुड़े इस फैसले पर गौरव कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में गृह मंत्री अमित शाह की पीठ थपथपाई और उन्हें बधाई दी। पूरे 72 वर्षों के बाद भारत सरकार ने ऐसी मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई है और तब जाकर ये ऐतिहासिक घड़ी आज आई है। लेकिन चुनौतियों पर विजय आगे भी ऐसे ही मिलती रहे, इसके लिए आपका साथ और आपकी जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए आज पूरे परिवार के साथ ये डीएनए देखिए और कश्मीर में हुए इस ऐतिहासिक बदलाव के साक्षी बनिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पर आजादी के बाद सबसे ऐतिहासिक फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करते हुए आर्टिकल 370 और 35 को हटा दिया गया। कश्मीर पर सरकार के इस बड़े फैसले के मुताबिक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 35 खत्म किया गया, जम्मू कश्मीर का दो हिस्सों में बंटवारा कर दिया। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा, जबकि लद्दाख बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य पुनर्गठन विधेयक भी पेश किया, जो वोटिंग के बाद पास हो गया। बिल के समर्थन में 125 और विरोध में 61 वोट पड़े। बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी। गृह मंत्री ने कहा कि अगर हालात सुधरे तो जम्मू कश्मीर को फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। कल इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और टीएमसी ने अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया। कांग्रेस ने सरकार के फैसले को लोकतंत्र के खिलाफ बताया।
जिस आर्टिकल 370 के द्वारा हमने हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर दिया, आज उसी संविधान और अजीब लोकतंत्र को मोदी सरकार ने मुझे खुशियां उड़ा दी, इसीलिए हम दोबारा प्रोटेस्ट। वहीं जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एआईएडीएमके, बीजेडी और शिवसेना ने समर्थन किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 नहीं हटाने के लिए पिछली सरकारों पर निशाना साधा है। राज्यसभा में बहस के दौरान अमित शाह ने कहा कि वो बचपन से सुनते आ रहे थे कि उचित समय पर इसे हटाया जाएगा, लेकिन पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लिए अनुच्छेद 370 को संभाल कर रखा। मत बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए फैसला करने का जिगर चाहिए था और वो जिगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय ये पॉलिटिकल व्हील के कारण ही आज 370 कोशिश करने का प्रस्ताव लेकर मैं इस सदन के सामने आया हूं। गृह मंत्री ने बहस के दौरान कांग्रेस से पूछा कि नेहरू जी ने कहा था कि अनुच्छेद 370 घिस जाएगा, कांग्रेस कब तक इसे संभाल कर रखना चाहती है? कि जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था कि 370 चिंता मत करो, घिसते घिसते घिस जाएगी, मगर 370 को इतने जतन से संभाल कर रखा, 70 साल हुए घिसी नहीं। और आप मुझे बताइए, ये टेम्पररी प्रोविजन है, सब स्वीकार करते हैं, टेम्पररी शब्द 70 साल तक चल सकता है क्या? कब जाएगा, कैसे जाएगा? ये टेम्पररी प्रोविजन को कब तक चलाना है? जम्मू कश्मीर पर सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद संसद भवन भी रोशनी में नहाया हुआ है। संसद भवन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक फैसले के बाद न सिर्फ अमित शाह की पीठ थपथपाई बल्कि ट्वीट कर उनकी तारीफ भी की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि राज्यसभा में अमित शाह जी का भाषण व्यापक और व्यवहारिक था। उनके भाषण ने जम्मू कश्मीर में इतिहास में हुए अन्याय को उजागर किया और जम्मू कश्मीर के भाइयों और बहनों के लिए हमारे नजरिए को सही तरीके से सामने रखा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही कश्मीर घाटी में हलचल और बढ़ गई है। एनएसए चीफ अजीत डोवल कश्मीर के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अजीत डोवल कश्मीर पहुंच गए हैं और सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में रैली जुलूस पर रोक लगाई गई है। पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के हर इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कश्मीर घाटी में मोबाइल फोन और इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने के आदेश दिए। 5 अगस्त को विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं भी अगले आदेश तक कैंसिल। जम्मू में सीआरपीएफ की 40 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया। अलग अलग राज्यों से 8,000 सुरक्षा कर्मियों को जम्मू कश्मीर भेजा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं को नजरबंद किया गया था, जिन्हें बाद में हिरासत में लिया गया। सरकार का कहना है कि पूरे राज्य के हालात सामान्य हैं, घाटी में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वागत किया है। एक ट्वीट के जरिए आरएसएस ने कहा, सरकार के साहसपूर्ण कदम का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश के हित के लिए अत्यधिक आवश्यक था। सभी को अपने स्वार्थों और राजनीतिक भेदों से ऊपर उठकर इस पहल का स्वागत और समर्थन करना चाहिए। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर केंद्र सरकार को कई विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिला। बीएसपी ने बिल का समर्थन करते हुए इसे हर वर्ग के लिए फायदेमंद बताया। जम्मू सपोर्ट किया तो हम लोगों ने ये बात कही कि दलितों को इससे फायदा होगा, बैकवर्ड्स को होगा और अल्पसंख्यकों को भी होगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने इस फैसले को आजाद भारत का सबसे बड़ा फैसला बताया है। आज वो दोखज बन चुका एक जन्नत के नाते, मेरे विचार से ये जो आज का बिल गृह मंत्री जी लाए हैं, ये उस कश्मीर को वापस जन्नत बनाने में मदद करेगा। दोखज से वापस वो जन्नत बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस फैसले की तुलना इमरजेंसी हटने और युद्ध जीतने से की है। गृह मंत्री होने के नाते इस तरह की कई
गुप्त मीटिंगें और आवश्यक मीटिंगें उसी गृह मंत्रालय की गंभीरता के चलते होती हैं जो हालात कश्मीर में इस समय बने। हालांकि अनुच्छेद 370 हटाने का सरकार की सहयोगी जेडीयू ने विरोध किया है। ऐतिहासिक दिन है ये, इतिहास में जितना हमारी देश में इमरजेंसी हटी या हमारे देश में कोई बड़ी युद्ध जीते हैं उसके बराबर होगी। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से बड़ा बदलाव आ गया है। विशेष राज्य का दर्जा हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अलग झंडा नहीं होगा, अलग संविधान नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता खत्म हो गई। जम्मू कश्मीर में आरटीआई कानून लागू होगा। अब राज्य में लड़की के अधिकार नहीं छीनेंगे। दूसरे राज्य के नागरिक जमीन खरीद सकते हैं। दूसरे राज्य के नागरिक सरकारी नौकरी कर पाएंगे। दूसरे राज्य के नागरिकों को नागरिकता मिलेगी। दूसरे राज्य के नागरिकों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का था, लेकिन देश के बाकी राज्यों की तरह यहाँ भी 5 साल विधानसभा का कार्यकाल होगा। अब सरकार के फैसले के बाद भारत के नागरिक जम्मू कश्मीर के वोटर और चुनाव में उम्मीदवार बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। लोगों ने दिन में ही पटाखे फोड़कर और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। मुंबई में भी कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोगों ने जोरदार जश्न मनाया। देश की राजधानी दिल्ली में भी लोग इस फैसले के बाद ढोल की धुन पर नाचते नजर आए। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी लोगों ने पीएम मोदी की फोटो के साथ जश्न मनाया। वाराणसी में मुस्लिम महिलाएं भी इस फैसले पर खुश नजर आईं। अटारी वाघा बॉर्डर पर भी लोगों ने जश्न मनाया और पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। संसद भवन जल्द ही नए अंदाज में दिख सकता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने पीएम मोदी से गुजारिश की है कि 2022 में भारत की आजादी के 75 साल पूरा होने पर नए भारत के उनके संकल्प में संसद भवन के विस्तार और आधुनिकीकरण को भी सम्मिलित किया जाए। दोनों ने कहा कि सभी की आकांक्षा है कि सबसे विशाल लोकतंत्र का संसद भवन सबसे भव्य और सबसे आकर्षक बने। हम जब आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं तो हमारा सपना है कि हम देश के अंदर एक आधुनिक तकनीकी युक्त संसद भवन के अंदर बैठे हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वो आजादी के 75 वर्ष जब 2022 तक पूरे होने पर नव भारत के इस संकल्प को पूरा करने का प्रयास करें। हिस्ट्री इज मेड बाय दोज हु गिव अ डैम, अर्थात इतिहास वही लोग रचते हैं जो किसी चीज की परवाह नहीं करते और निडर होकर फैसले लेते हैं। आज से ठीक 10 दिन बाद देश आजादी के 72 वर्षों का जश्न मनाएगा 15 अगस्त को, लेकिन 15 अगस्त से ठीक 10 दिन पहले यानी आज जम्मू कश्मीर का पुनर्जन्म हुआ है और एक तरीके से ये कहिए कि ये भी आजादी के दिन से कम बड़ा दिन नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आज आजादी देने का फैसला कर लिया और इसे आप आजाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फैसला भी कह सकते हैं। आर्टिकल 370 के हटते ही जम्मू कश्मीर और भारत एक नए युग में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा राज्य का बाइफर्केशन यानी दो हिस्सों में बंटवारा करते हुए लद्दाख को उसके हिस्से की शक्ति देने का प्रस्ताव रखा गया है जिसे राज्यसभा में आज पास कर दिया गया और कल इसके लोकसभा में पास होने की पूरी उम्मीद है। यानी जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा बल्कि उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। और अब देश के इन दोनों हिस्सों में मौजूद तमाम शहर तमाम जगहें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपका शहर दिल्ली मुंबई भोपाल या रांची या कोई और जगह। आज सुबह 11 बजे से पहले किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के ऐलान के बाद श्रीनगर का लाल चौक बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे दिल्ली का राजीव चौक है। लेकिन ये अविश्वसनीय काम हुआ है और इस लिहाज से देखा जाए तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है। इसलिए सबसे पहले आप सबको बधाई
और आज आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर पर लिए गए इस साहसिक फैसले की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को आज आपको समझना चाहिए, आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अनुच्छेद 370 का हटाया जाना देश के लिए एक नई सुबह की शुरुआत है, एक नए युग की शुरुआत है। इसलिए आज के डीएनए में हम जम्मू कश्मीर के इतिहास में भी झांकेंगे, उसके वर्तमान का भी विश्लेषण करेंगे और उसका भविष्य कैसा होगा इसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। हो सकता है भविष्य में आप भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद पाएं, आप भी अपना एक घर जम्मू कश्मीर में बना पाएं, या हो सकता है आप जम्मू कश्मीर में जाकर अपना बिजनेस करें। लेकिन सबसे पहले यह देखिए कि राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से संबंधित सभी विकल्प सभी संकल्पों के पास होने के बाद आज क्या तस्वीर दिखाई दी। एक बहुत ही खास तस्वीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के सामने गृह मंत्री अमित शाह को आज कैसे बधाई दी। सब्जेक्ट टू करेक्शन आईएस 125 नो 61 अब्सटेन 1 द मोशन इज अडॉप्टेड। सभापति महोदय, मैं इस बिल को पारित करने का प्रस्ताव करती हूँ। मोशन मूव्ड दैट द बिल बी पास। The question is that the bill be passed. Those in favor, please say aye. Those against, will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. ये तस्वीर बहुत खास थी। किसी भी फैसले की एक पृष्ठभूमि होती है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहुत पुरानी और विवादित पृष्ठभूमि रही है और इसे हटाए जाने को लेकर भी पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार की भूमिका बनाई गई या माहौल पैदा किया गया वो भी कम ऐतिहासिक नहीं है, क्योंकि ये फैसला लेने से पहले कई महीनों से लगातार प्लानिंग चल रही थी और केंद्र सरकार ने अपना पूरा होमवर्क करके रखा था। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को भेजा गया ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके, सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो पूरे रहें, और करीब करीब 48,000 सुरक्षा बलों की वहां पर अतिरिक्त व्यवस्था की गई थी हाल के दिनों में। इसके साथ आपको याद होगा अमरनाथ यात्रियों को जम्मू कश्मीर छोड़कर जाने के लिए कहा गया, अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया और जितने भी लोग बाहर के जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी में जो थे, चाहे वो छात्र हों या वो टूरिस्ट हों, सबको कहा गया कि वो तुरंत अपने अपने घर लौट जाएं। इसके बाद कल रात जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं को उनके घर से घर में नजरबंद कर दिया गया। श्रीनगर सहित जम्मू कश्मीर के बड़े इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई। मोबाइल फोन सेवाएं और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। इसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान क्या बात हुई, कौन सा फैसला लिया गया, इसके बारे में आज सुबह तक किसी को कुछ नहीं पता चला था। और हमेशा आपने एक बात सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि जो लोग बातें ज्यादा करते हैं वो काम नहीं करते और जो लोग काम करते हैं वो किसी को कानो कान खबर नहीं होने देते। आज की जो हालात थे वो ये थे, काम हो रहा था लगातार लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी। और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह 11 बजे राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ बंटवारे का बिल प्रस्तावित करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करने का प्रस्ताव भी पेश किया। इसका मतलब ये हुआ कि अब दिल्ली की तरह विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर एकदम दिल्ली जैसा बन जाएगा और चंडीगढ़ की तरह बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा लद्दाख। आगे बढ़ने से पहले आप गृह मंत्री अमित शाह का यह ऐतिहासिक बयान सुनिए और यकीन मानिए जब देश इस बयान को सुन रहा था तो लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह हकीकत में हो रहा है या फिर वो सपना देख रहे हैं। माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा कि कश्मीर की आज की जो स्थिति है उस पर चर्चा करनी चाहिए, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि चारों दो संकल्प और दो बिल जो लेकर आए हैं वो कश्मीर इश्यू पर ही है, उस पर आप अपना विचार रख सकते हैं। इस वक्त कश्मीर की आज की स्थिति पर भी रखिए, उस पर भी मैं जवाब दूंगा। अब मैं एक के बाद एक संकल्प और बिल, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है।
संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उस घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्ति आई सदन में नियुक्त होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संबोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। जो लोग टेलीविजन पर उस वक्त ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे, कुछ पल के लिए उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में क्या ऐसा हो सकता है। देश में 72 साल के बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की विदाई हो जाएगी और जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी कि आज सुबह ये काम होगा। आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पर ऐतिहासिक फैसला सुनाने से पहले सुबह करीब 10:35 पर गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन पहुंचे और वहां अपनी गाड़ी से उतरने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में कुछ कागज थे, डॉक्यूमेंट्स थे, और उन कागजों में सरकार की अटल इच्छा शक्ति नजर आ रही थी। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो सीख देने वाली हैं कि कैसे किसी बड़े काम को, किसी बड़े मिशन को, बड़ी योजनाओं को उम्मीद के मुताबिक पूरा किया जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन, यानी अगर किसी काम की शुरुआत ठीक से हो जाए, शानदार तरीके से हो जाए, तो समझिए कि आधा काम तो ऐसे ही पूरा हो गया। इन दस्तावेजों को विस्तार से देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्यों मोदी और शाह की जोड़ी का हर मिशन बिना किसी रुकावट के मंजिल तक पहुंचता है, क्योंकि वो बहुत तैयारी के साथ अपना काम करते हैं। इन तस्वीरों से आपको मोदी सरकार के योजनाबद्ध और सूझबूझ से काम करने के स्टाइल का भी आज पता चलेगा। अब आप समझ गए होंगे कि अटल इच्छा शक्ति वाली सरकार ने किस तरह जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील मसले का बारीकी से ख्याल रखा। और आज ये जो कागज हम आपको करीब से दिखाने वाले हैं, इन कागजों में आज सबके लिए एक सीख है। ये एक कागज जो आप देखेंगे, ये मैनेजमेंट की एक क्लास की तरह है। अब इस कागज को करीब से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अमित शाह के हाथ में ये कागज थे और इसमें क्या लिखा है, सबसे ऊपर सारे टास्क लिखे हुए हैं। ये टास्क हैं और एक्शन पॉइंट हैं, इन्हें कौन इसके लिए जिम्मेदार है, और ये आगे लिखा है रिमार्क्स, कौन कौन से काम हो चुके हैं, कौन से किस तिथि को किए जाएंगे। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि कितनी प्लानिंग के साथ ये सारा काम हुआ है। सबसे पहले ऊपर लिखा है इन्फॉर्म प्रेसिडेंट और जिम्मेदारी है एक्शन पॉइंट, प्रधानमंत्री करेंगे, रिमार्क्स में लिखा है डन। इन्फॉर्म वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी, रिमार्क्स में लिखा है डन। कैबिनेट मीटिंग एक्शन पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर, इसमें लिखा है 5 अगस्त। प्रेसिडेंट्स नोटिफिकेशन, जिम्मेदारी है होम सेक्रेटरी, 5 अगस्त। पैसेज ऑफ बिल इन पार्लियामेंट, होम मिनिस्टर यानी खुद अमित शाह, तिथि रिमार्क्स में 5 अगस्त। सिक्योरिटी इन राज्यसभा एक्शन पॉइंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम टू स्पीक टू वाइस प्रेसिडेंट। अनाउंसमेंट ऑफ ऑल पार्टी मीटिंग, होम मिनिस्टर। ब्रीफिंग ऑफ एनडीए एमपीज,
एड्रेस टू द नेशन। अब आप देखिए एड्रेस टू द नेशन कब होगा, इस पर उनकी उंगली आ गई, इसलिए वरना आपको यहां पता चल जाता। लेकिन इसमें हम आपको पूरी कहानी बता देते हैं। एड्रेस टू द नेशन में जाहिर है प्रधानमंत्री करेंगे और यहां पर लिखा है 7 अगस्त, यानी 7 अगस्त को हो सकता है प्रधानमंत्री देश के नाम एक संदेश देंगे। ब्रीफिंग टू पार्टी स्पोक्सपर्संस, स्पीक टू गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, स्पीक टू सीएम्स पंजाब हरियाणा और बाकी राज्य इसमें भी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, और बाकी के जितने भी काम यहां पर लिखे हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हैं, पॉलिटिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल है, सबको अलग अलग सेगमेंट्स में बांटा हुआ है। जिम्मेदारी बांटी हुई है कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, प्रधानमंत्री कौन सा काम करेंगे, गृहमंत्री, उपराष्ट्रपति, होम सेक्रेटरी, और तिथि लिखी हुई है कि यह काम कब तक हो जाएगा। इस तरह ये प्लानिंग हुई है, इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो कागज है असल में ये मैनेजमेंट का एक लेसन है जो कि सब लोगों को यहां से सीखना चाहिए। और एक और बड़ी बात जो आपको आज ध्यान से सुननी चाहिए और आपने शायद महसूस भी किया होगा, इससे पहले सरकारें हमेशा इस बात की चिंता करती थी कि अब आतंकवादी आगे क्या करने वाले हैं, आतंकवादियों का अगला कदम क्या होगा, सरकार इसी चिंता में घुलती रहती थी। पहली बार ऐसा हुआ है जब आतंकवादी ये सोचते रह गए कि सरकार क्या करने वाली है। वैसे आज सुबह से कई लोग इस बात को लेकर भी बड़े कंफ्यूज थे कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा लिया गया है या मामला कुछ और है। सबसे पहले आपको इस सवाल का जवाब देते हैं कि संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस वक्त की स्थिति क्या है। अनुच्छेद 370 के तहत जो प्रतिबंध थे उन्हें हटा लिया गया है, यानी इसके तहत कश्मीर को जो स्वायत्तता मिलती थी, जो अलग अधिकार मिलते थे, जो स्पेशल स्टेटस मिलता था, वो सब हट चुका है। आर्टिकल 370 की वजह से ही कहा जाता था कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। आज के फैसले के बाद ये सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। हालांकि अनुच्छेद 370 का क्लॉज 1 यानी खंड 1 लागू रहेगा, और यह इसलिए लागू रहेगा क्योंकि खंड 1 यह कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पहले भारतीय संसद के कई संवैधानिक फैसले जो कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, अब वो पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर पर भी लागू होंगे। वित्तीय फैसले भी जो अब तक लागू नहीं होते थे वो भी जम्मू कश्मीर में लागू होंगे, और यही वजह है कि राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन में अब जम्मू कश्मीर में जो संविधान सभा थी उसका नाम विधानसभा कर दिया गया है। पहले उसका नाम संविधान सभा इसलिए था क्योंकि भारत की संसद की तरह वो भी कई संवैधानिक निर्णय ले सकती थी, लेती थी, चाहे संसद में पारित निर्णयों को पारित करने का फैसला हो, चाहे उसे नामंजूर करने का फैसला हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब देश का कोई भी नागरिक कश्मीर में उसी तरह रह सकेगा, वहां जाकर बस सकेगा, जमीन खरीद सकेगा, अपना मकान बना सकेगा, अपना व्यापार कर सकेगा, जिस तरह वो अन्य राज्यों में रह सकता है या बस सकता है। आज आप किसी भी राज्य में रहते हो सकता है आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली आए हों, या मुंबई गए हों, या चेन्नई गए हों, बेंगलोर गए हों, भोपाल गए हों, रांची गए हों, पटना गए हों, आप कभी ये सोचते नहीं कि आप वहां जा सकते हैं या नहीं, लेकिन श्रीनगर जाने से पहले, जम्मू कश्मीर जाने से पहले आप सोचते थे और जवाब हमेशा ना में होता था। अब आप जैसे दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, वहां बसने के बारे में सोचते हैं, मकान बनाने के बारे में सोचते हैं, नौकरी करने के बारे में सोचते हैं, व्यवसाय करने के बारे में सोचते हैं, अब आप जम्मू कश्मीर के किसी भी शहर में जाकर वही काम कर सकते हैं जो आप दिल्ली, मुंबई, भोपाल, बेंगलुरु या चेन्नई में करते हैं। एक सवाल यह भी है कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा क्यों? इसका जवाब बहुत साधारण है, जैसे दिल्ली में है, जैसे पुडुचेरी में है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी अपनी विधानसभा होगी, यानी कश्मीर में चुनाव होंगे, विधायक होंगे, वहां का मुख्यमंत्री भी होगा, लेकिन पुलिस, सुरक्षा व्यवस्था जैसी चीजों पर केंद्र का ही अधिकार रहेगा जैसे दिल्ली में रहता है। वहां की सरकार को हर फैसला, हर प्रश्न पर राज्यपाल से राय लेनी होगी जैसे दिल्ली में होता है, यानी हर तरह से जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन ही अब रहेगा। आपके मन में यह सवाल भी आएगा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या बदलाव आएंगे। आश्चर्यजनक बदलाव आएंगे। आगे बढ़ने से पहले ये बदलाव देखिए क्या क्या बदलाव आएंगे। जम्मू कश्मीर की राजनीति में अभी तक 3 मुख्य परिवार रहे हैं, 3 बड़े राजनीतिक खानदान रहे हैं, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और तीसरा था कांग्रेस का परिवार। उनके हाथ में अब कुछ नहीं रह जाएगा,
देश भर के लोगों के कश्मीर में बसने और वहां बिजनेस करने का रास्ता हमेशा के लिए खुल जाएगा। खास तौर पर होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म को अब बढ़ावा मिलेगा, इसमें प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाएंगी। इससे पहले होटल इंडस्ट्री पर कई तरह के प्रतिबंध थे। बाकी देश के लोग यहां उद्योग धंधे जब खोलेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर जम्मू कश्मीर में पहली बार आएगा और आतंकवाद में कमी आएगी। कोई ऐसी गतिविधियों को ना तो आश्रय देगा और ना ही उनका समर्थन करेगा, आतंकवाद जैसी गतिविधियों को। एक बड़ा बदलाव यह भी आएगा कि सेना की उपस्थिति और उस पर होने वाला खर्च धीरे धीरे, अभी तो नहीं लेकिन धीरे धीरे कम होता जाएगा। लद्दाख के अलग होने से उसका विकास पहले के मुकाबले बहुत तेजी से होगा, क्योंकि अभी तक घाटी के नेता लद्दाख की तरफ गंभीरता से कभी ध्यान ही नहीं देते थे। जो मुख्यमंत्री होता था जम्मू कश्मीर का, वो कश्मीर घाटी का होता था हमेशा से, और वो ना तो जम्मू पर ध्यान देता था ना लद्दाख पर ध्यान देता था। ये सारी बातें अब खत्म हो जाएंगी। आज के ऐतिहासिक मौके पर 27 साल पुरानी उस तस्वीर को भी आपको याद करने का आज दिन है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर एक बीजेपी कार्यकर्ता श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। यानी वर्ष 1992 में शुरू हुआ वो सफर आज सही मायनों में अपने अंजाम तक पहुंचा है, इसलिए आज ये तस्वीर बेहद खास है। पूरे बड़े पर्दे पर ये तस्वीर देखिए आप। में आतंकवादियों ने चुनौती दी थी कि कोई भी व्यक्ति भारत का लाल चौक पर, श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहरा सकता। और मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपने देखी होंगी, तब नरेंद्र मोदी वहां गए थे और उन्होंने लाल चौक पर यह झंडा फहराया था। और आज प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया और आज उन्होंने कश्मीर में तिरंगा हमेशा के लिए फहरा दिया। अनुच्छेद 370 के तहत आने वाले प्रतिबंध बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसने आजादी के बाद भी भारत को अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा हो। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह स्पष्ट कर दिया था कि वो जम्मू कश्मीर को गुलाम बनाकर रखने वाली इस बीमारी को जड़ से समाप्त करके दम लेगी। 2019 में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को आप उनकी इच्छा शक्ति से जोड़कर भी देख सकते हैं। लेकिन यह बात भी सही है, किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी, ये कल्पना नहीं की थी कि मई में उन्होंने ये चुनाव जीता है और अब अगस्त आते आते वो अनुच्छेद 370 पूरा के पूरा अनुच्छेद 370 को ही हटा देंगे। पहले अटकलें लग रही थी कि सिर्फ 35 से हटेगा, 370 के बारे में तो लोगों ने शायद नहीं सोचा था और ये भी नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर के दो हिस्से कर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 370 के तहत आने वाले प्रतिबंधों को हटाए जाने को लेकर विपक्षी पार्टियों की आम धारणा ये थी कि इसे बगैर संविधान संशोधन के पारित नहीं किया जा सकता, हो सकता है ये एक बहाना भी रहा हो। संविधान संशोधन का मतलब हुआ दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से किसी भी संशोधन को पारित कराना। लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने इस भ्रम को पूरे देश के सामने तोड़ दिया और कहा कि इस मामले में संविधान संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है। जब समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि संविधान के किस हिसाब से इसे आज यहां इस तरीके से हटाया जा रहा है, तो अमित शाह ने क्या कहा, यह आज आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। भारत के संविधान का अंग है, इसको हटाने के लिए, इसको संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन के जरिए ही उसको हटाया जा सकता है, रिजोल्यूशन के जरिए नहीं आ सकता है। संविधान की किसी भी धारा में अगर परिवर्तन करना है, जोड़ना है, घटाना है, दैट मे बी अमेंडेड बाई ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ, मैं आपकी रूलिंग चाहता, पहले सभापति महोदय, मुझे बड़ा अच्छा लगता कि सारे सदस्य
सरकार से कम जान लेते कि हम किस पद्धति से और किस धारा के अंतर्गत ये करने जा रहे हैं। अच्छा हुआ सदस्य रामगोपाल जी ने इसको उठाया। सभापति महोदय, 370 आर्टिकल के अंदर ही इसकी प्रोविजन सीज 373 को जरा ध्यान से पढ़े। मैं 373 सदन के सभासदों के लिए पढ़ता हूँ। माननीय मंत्री जी की बात भी कोर्ट में जाएगी। Not withstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may by public notification declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exception and modifications and from such date as he may be specified. इसके नीचे provision है, provided that the recommendation of the Constitution, Constituent Assembly of the State referred in clause 2 shall be necessary before the President issue a notification. तो देश के राष्ट्रपति महोदय को धारा 373 के अंतर्गत पब्लिक नोटिफिकेशन से धारा 370 को सीज करने के अधिकार है। आज सुबह राष्ट्रपति महोदय ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर निकाला है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मींस जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समाप्त हो चुकी है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अधिकार जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में निहित होते हैं। चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन है, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के सारे अधिकार इस दोनों सदन के अंदर निहित है और राष्ट्रपति के ये ऑर्डर को हम सादी बहुमत से पारित कर सकते हैं। और महोदय, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले कांग्रेस पार्टी 1952 में और 1962 में धारा 370 को यही तरीके से अमेंड कर चुकी है, वही रास्ते पर हम आए। आज भारत में बहुत बड़ा बदलाव आया है और हम नक्शों की मदद से आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे भारत में कब कब बदलाव कैसे आते चले गए। आप देखिए, आपको नक्शा दिखाते हैं। वर्ष 1951 में भारत का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था जब कई छोटे राज्यों का विलय भारत में किया गया था। ये देखिए, ये 1951 का नक्शा है। फिर 1953 में जब आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ तो भारत का नक्शा कुछ ऐसा हुआ। 1954 में पौंडीचेरी यानी पुडुचेरी सहित माहे, यनम, कराईकल और चंदरनगर का भारत में विलय हुआ, उस वक्त देश का नक्शा कुछ ऐसा बना। फिर 1956 में जब भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो तस्वीर ऐसी बन गई। 1960 में बॉम्बे को बांटकर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया, उस वक्त भारत का नक्शा ऐसा दिखता था। 1961 में गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव भारत का हिस्सा बने, तब की तस्वीर कुछ ऐसी थी। 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया तो भारत का नक्शा कुछ ऐसा हुआ। वर्ष 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ, जब पंजाब के कुछ हिस्सों को हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया और हरियाणा का जन्म हुआ, उस वक्त देश का नक्शा कुछ ऐसा बदला। साल 1972 में असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ और तब देश की तस्वीर ऐसी बनी। इसके बाद 1975 में सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया, तब भारत का नक्शा ऐसा दिखता था। साल 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड बना, उस वक्त देश की तस्वीर ऐसी बनी। 2014 में आंध्र प्रदेश को बांटकर तेलंगाना बनाया गया और ये उस वक्त का नक्शा है। और अब 2019 में सबसे बड़ा फैसला जब आया, दो हिस्सों में बंटवारा करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इस तरह भारत का नया नक्शा अब आपके सामने है। चोटी पर आपको जो जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है, उसका उस पर ध्यान दीजिए और देखिए कि कैसे अब वो दो राज्यों में बट गया है, दो हिस्सों में ये राज्य बट गया है। पिछले 68 सालों का नक्शा तो आपने देख लिया, अब ये समझते हैं कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की भौगोलिक और राजनीतिक तस्वीर कैसी होने वाली है। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या 125 करोड़ से ज्यादा है,
1.25 करोड़ पूरे राज्य की जनसंख्या है, जबकि लद्दाख की आबादी सिर्फ 3 लाख है। जम्मू कश्मीर 2,22,236 वर्ग किलोमीटर में फैला है, इसमें से आधा यानी करीब 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है, जबकि बाकी का हिस्सा भारत के नियंत्रण में है, जबकि लद्दाख करीब 59,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आज राज्यसभा से 3 प्रस्ताव पारित हुए हैं, पहला राष्ट्रपति का आदेश, दूसरा जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल और तीसरा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष अधिकारों को हटा लिया गया है। आरक्षण बिल से वहां की अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ पहुंचाया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया गया। अब तक हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी 7 यूनियन टेरिटरीज थी और 29 राज्य थे। अब 28 राज्य रह गए हैं और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है। इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की राजनीति को बदल कर रख देंगे, जैसे जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटें 107 से बढ़कर 114 हो गई हैं और जम्मू कश्मीर की विधानसभा की कुछ सीटें अब SC ST के लिए सुरक्षित कर दी गई हैं, जो पहले नहीं थी। इन 114 सीटों में से 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से की हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के विधानसभा की समय सीमा को घटाकर अब 5 साल कर दिया गया है, जैसा कि बाकी के देश में होता है, जो पहले यहां 6 साल का कार्यकाल हुआ करता था। पहले जम्मू कश्मीर के हिस्से में 37 सीट पहले जम्मू के हिस्से में 37 सीटें थी 37 और कश्मीर घाटी के हिस्से में 46 सीटें थी, जम्मू से ज्यादा, और लद्दाख के हिस्से में 4 सीटें थी। लेकिन अब चुनाव आयोग सीटों का बंटवारा नए सिरे से करेगा, जिससे वहां की राजनीतिक परिस्थितियों में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेमोग्राफी, उसमें भी बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा। आपने हमेशा ये बात नोट की होगी कि जम्मू कश्मीर राज्य तो इतना बड़ा है, लेकिन वहां मुख्यमंत्री वही बनता था जो कश्मीर घाटी का नेता हुआ करता था, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो या फिर कांग्रेस की राजनीति हो। हमेशा से जो कश्मीर घाटी है वहीं का नेता पूरे राज्य का मुख्यमंत्री बना करता था। अब ऐसा इसके बाद नहीं होगा। केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के दूरगामी परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। अब वहां रणवीर पीनल कोड की जगह इंडियन पीनल कोड होगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर का अपना कानून हुआ करता था, भारत का कानून वहां नहीं चलता था, वहां की अदालतों में नहीं चलता था। अब वहां उनका जो अलग से अपना झंडा था वो नहीं चलेगा। अब वहां पर अलग झंडा फहराने की इजाजत नहीं मिलेगी, सिर्फ एक झंडा लहराया जाएगा और वो है तिरंगा। भारत, पूरे भारत में जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, कश्मीर घाटी हो, सिर्फ एक झंडा होगा और एक कानून होगा, वो है भारत का कानून और तिरंगा झंडा। जम्मू कश्मीर आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत होगा, सामाजिक मिलाप से आतंकवाद का खतरा कम होगा, विकास कार्यों में तेजी आने से देश का ये एक हिस्सा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर और ज्यादा विकसित होगा। बड़ी बड़ी होटल्स की चेन्स अब वहां पर आएंगी और इसे और डेवलप किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ क्षेत्रीय मुद्दों को डील करते समय भारत मजबूती से अपना पक्ष अब इसके बाद रख पाएगा, क्योंकि आज पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा झटका लगा है इस फैसले से। इस फैसले के बाद देश की हर राजनीतिक पार्टी को जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए काम करने का मौका मिलेगा, समान मौके मिलेंगे सबको। जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात का एहसास दिलाना जरूरी है कि वो देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों की तरह ही हैं, स्पेशल नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं उन्होंने स्पेशल स्टेटस को सेपरेट स्टेटस समझ लिया। उन्हें कहा गया था कि वो स्पेशल हैं, खास हैं, लेकिन उन्होंने उस स्पेशल को सेपरेट समझ लिया। उन्होंने ये समझ लिया वो खास नहीं है बल्कि वो अलग हैं, और ये गलतफहमी 70 साल तक चलती रही। आर्टिकल 370 की वजह से अब तक जम्मू कश्मीर में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी RTI एक्ट लागू नहीं होता था, वहां पर CAG काम नहीं कर सकता था, भारत के कानून मान्य नहीं थे, वहां की महिलाओं को शरिया कानून मानना पड़ता था, पंचायत को कोई अधिकार नहीं थे, जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यकों को 16% का रिजर्वेशन भी नहीं मिलता था, किसी दूसरे राज्य का कोई भी भारतीय नागरिक वहां जमीन खरीद नहीं सकता था, वहां बस नहीं सकता था। लेकिन इसी पैमाने पर
आम कश्मीरी को पूरे भारत में जमीन खरीदने की छूट थी और दोहरी नागरिकता थी। वहां निजी इंडस्ट्रीज नहीं लगती थी, यानी प्राइवेट सेक्टर नहीं जाता था, क्योंकि वहां पर वो अपनी जमीन खरीद नहीं सकते थे। अनुच्छेद 370 की वजह से पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की नागरिकता मिल जाती थी, जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी, और इसके लिए उन्हें सिर्फ एक कश्मीरी लड़की से शादी करनी होती थी। अलगाववादी इसी अनुच्छेद का इस्तेमाल करके अपनी दुकानें चलाते थे और आर्टिकल 370 आतंकवादियों के लिए एक प्रकार का फर्टिलाइजर यानी उर्वरक था। लेकिन केंद्र सरकार के एक फैसले ने न सिर्फ भारत विरोधी ताकतों की जड़ें हिला दी, बल्कि सुखी और सुरक्षित जम्मू कश्मीर की नींव भी भविष्य के लिए रख दी है। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से होगा। हमें कहते हैं वोट बैंक की राजनीति कर, क्यों घाटी में सिर्फ मुसलमान रहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? घाटी में मुसलमान भी रहते, हिंदू भी रहते, सिख भी रहते, बौद्ध भी रहते, जैन भी रहते। धारा 370 अच्छी है तो सबके लिए अच्छी है और बुरी है तो सबके लिए बुरी है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते। और क्यों पकड़ कर रखना चाहते हैं तुमसे, कारण क्या है? मैं नहीं समझ पाता। मान्यवर, कोई कारण हो तो बताना चाहिए। आप अचानक बिल लेकर आए, हमें मौका नहीं दिया, हमें ये नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं, हम तो साहब राष्ट्रहित का बिल लेकर आए थे। आप इंदिरा जी को अलाहाबाद के जजमेंट से बचाने का संवैधानिक सुधार उसी दिन लेकर, उसी दिन पारित करकर इस देश की डेमोक्रेसी को, और हमें उपदेश देते। गुलाम नबी साहब ने बताया कि शेड्यूल वन में जम्मू कश्मीर राज्य है। मैं पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर राज्य है वो तो मैं मानता हूं, मगर मुझे बताइए कि भारत की दोनों संसद जो कानून पारित करती है वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है क्या? जम्मू कश्मीर के नागरिकों को उसका फायदा मिलता है क्या? कुछ पार्टियों ने एनजीओ की ब्रिगेड बनाकर रखी है और ये बिल को चैलेंज करेंगे, मुझे भी मालूम है। और मैं मान्यवर आपके माध्यम से सदस्यों को कहने आया हूं, कोई भी लीगल स्क्रूटिनी से इस बिल को कोई कुछ नहीं होने वाला है। हर लीगल मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान तो पूरे पाक प्रेरित जो ग्रुप्स हैं, आतंकवादी हैं, वो तो पूरे देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। क्यों राजस्थान का युवा गुमराह नहीं होता? क्यों गुजरात का युवा गुमराह नहीं होता? गुजरात में भी पाकिस्तान की बॉर्डर है। क्यों ओडिशा का युवा गुमराह नहीं होता? क्यों बिहार का युवा गुमराह नहीं होता? क्योंकि वहां 370 नहीं है, वहां कोई अलगाववाद का भूत नहीं। आप यहां खड़े होकर कहोगे रक्तपात हो जाएगा? हम क्या ये सदन रक्तपात कराना चाहता है? ये सदन घाटी में क्या संदेश डालना चाहता है कि आप जीते रहो 18वीं सदी की व्यवस्थाओं में? उनको अधिकार नहीं है 21वीं सदी की व्यवस्थाओं के अंदर जीने का? और साहब, ये जो लोग उकसाते हैं ना, उनके बेटे बेटियां सब लंदन और अमेरिका में के अंदर पढ़ाई करते हैं। जरा पढ़े वहां की स्कूल के अंदर, जरा पढ़े वहां की कॉलेज के अंदर, तब मालूम पड़ेगा धारा 370 क्या है। जम्मू कश्मीर को कभी सरदार पटेल ने डील नहीं किया था, सरदार पटेल ने डील किया जूनागढ़ को, आज भारत में है विदाउट 370 है। डील किया हैदराबाद को, भारत में है विदाउट 370 है। जम्मू कश्मीर को डील किया पंडित नेहरू ने और विद 370 है, और आज हम भी कर रहे हैं। 370 का जाने का समय आ गया है, और अगर आज 370 नहीं जाती है तो आतंकवाद को हम जम्मू कश्मीर से नाबूद नहीं कर पाएंगे। गुलाम नबी साहब ने कहा कि यहां तो बम फूट गया है, सुबह मैंने बम फूट दिया कि 370 ये 33 ये सब लेकर आया। मुझे तो मालूम नहीं पड़ता साहब, 1950 से मेरे पार्टी के अंदर हर घोषणा पत्र में के अंदर है कि हम 370 को निकाल देंगे। इस बार भी था, क्योंकि हमारा शुरू से मानना है कि जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है। इसमें कोई उचित समय की जरूरत नहीं थी, पॉलिटिकल विल चाहिए थी। मत बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए फैसला करने का जिगर चाहिए था, और वो जिगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं घाटी के लोगों को, 70 साल तक 370 के साथ जिए, ये 370 के वादों को कांग्रेस सरकारों ने बार बार दोहराया, गुमराह किया।
मैं कहता हूं हमें 5 साल दे दीजिए, हम कश्मीर को देश का सबसे ज्यादा विकसित राज्य बनाएं। मैं कश्मीर घाटी के युवाओं को कहना चाहता हूं, भरोसा करिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर कुछ नहीं होने वाला। ये बरगरा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जो आपको के अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं उनकी मत सुनिए। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय कश्मीर के युवाओं को कि एक 5 साल के अंदर कश्मीर के अंदर परिवर्तन आएगा, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि 70 साल जो चीज को लेकर निकले वो चीज ही ठीक नहीं। सबको ये भी बात कहना चाहता हूं, रात को घर पर जाकर सुबह के टीवी के कार्यक्रम देखिए, देश की जनता एक मुख से मानती है कि 370 के जाने से कश्मीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज का दिन गृह मंत्री अमित शाह का दिन था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की बड़ी तारीफ की और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों पर थोपी गई ऐतिहासिक भूल थी, लेकिन केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के सुनहरे भविष्य के प्रति उनके लिए प्रतिबद्ध है। आज प्रधानमंत्री मोदी की उस बात को भी याद करने का दिन है जो उन्होंने 8 मई 2019 को यानी इसी साल मई के महीने में कुछ महीने पहले ही जी न्यूज के साथ बातचीत के दौरान कही थी। तब मैंने उनसे यही प्रश्न किया था कि वो अपने फैसलों से अक्सर सबको सरप्राइज कर देते हैं, वो सबको चौंका देते हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं लगती कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनका अगला बड़ा फैसला कौन सा होने वाला है। और इस बार भी उन्होंने यही किया। जम्मू कश्मीर के विषय पर पिछले कुछ दिनों से तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इतना बड़ा फैसला लेगी और 370 आर्टिकल 370 का जो पूरा की पूरा जो कांटा है उसे एक ही बार में वो निकाल देंगे। लोग ये तो जानते थे कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इतना बड़ा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। और आज जब धारा 370 को हटाने का फैसला लिया गया उसके बाद एक बात स्पष्ट हो गई कि नरेंद्र मोदी अन्य नेताओं के मुकाबले एक कदम आगे की ही सोचते हैं। एक तो ये कि आपने देश को 5 साल में हैरान खूब किया, यानी जब आप अपने ब्रॉडकास्ट के लिए आते थे टीवी पर तो जनता ये सोच के सांस रोक के बैठती थी कि न जाने इस बार क्या करने वाले हैं। वो तो आपका ब्रॉडकास्ट हुआ टीवी पर, लेकिन जो आप फैसले भी जो लेते हैं या लेते रहे, चाहे वो GST का फैसला हो, सर्जिकल स्ट्राइक का हो, एयर स्ट्राइक हो, बहुत सारे कड़े फैसले आप चुनाव से ठीक पहले ले लेते हैं, सो ये जो सरप्राइज करने की जो टेंडेंसी है और अनकन्वेंशनल फैसले आप हमेशा जो लेते हैं, ये आप अपने सूझबूझ से लेते हैं। आपके रणनीतिकार हैं वो आपको कहते हैं, हमने ये सुना है कि वो मनाही करते रह जाते हैं आपको, लेकिन आप फैसले ले लेते हैं। दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो मैं कोई भी निर्णय करने से पहले बहुत व्यापक रूप में मंथन करता हूं, सबके साथ उसके प्लस माइनस पॉइंट की चर्चा करता हूं, उसके सभी पहलू पर चर्चा करता हूं, खुल करके चर्चा करता हूं। इसलिए मैं अंतिम निर्णय पर जाने से पहले कंसल्टेशन की बहुत बड़ी प्रोसेस करता हूं। दूसरी बात है, मैंने एक भी निर्णय सरप्राइज नहीं किया है, हर चीज को मैंने पहले बताया हुआ है। पुलवामा के बाद भी मैंने कहा था, साफ शब्दों में आपके पास टीवी पे आप दिखाते हो कि बहुत बड़ी गलती की है आपने। बताओ, पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मेरा केरल में भाषण है, भाषण में मैंने कहा है कि ये होगा। नोटबंदी के पहले भी मेरा भाषण था कि मौका है इस तारीख तक, पार्लियामेंट में भाषण है। लेकिन पहले की सरकारों की तरह आप लोगों ने इसको लाइट लिया कि इनको सबको नेताओं को तो भाषण करने की आदत होती है। अब आपको पता होना चाहिए ये भाषणबाज नेता नहीं है, ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। लेकिन इतना बड़ा देश अंधेरे में रख करके नहीं चलता है जी, देश को विश्वास में लेना होता है जी। जीएसटी कहां रातों रात आया भाई, तो ये काम कोई अंधेरे में नहीं किया है जी, और ये काम अचानक नहीं होते हैं, एक व्यापक कंसल्टेशन से होते हैं जी। लेकिन
जब मैं कंसल्टेशन कर रहा हूं जरूरी नहीं कि मुझे एंड रिजल्ट में कहां जाने वाला हूं बताऊं, यह आवश्यक नहीं होता, वरना तो मुझे सही ओपिनियन ही नहीं मिलेगा। मेरा मन मैं बता दूंगा तो मैं सही ओपिनियन कौन बताएगा, और इसलिए मैं कभी अपना मन नहीं बताता हूं, तभी तो मुझे नेगेटिव चीजें भी तभी मिलती है जी। इसीलिए कहते हैं आप बड़े सीक्रेटिव हैं, मतलब जाहिर नहीं होने देते कि आपके मन में क्या चल रहा है। जैसे नोटबंदी के समय में आपके केंद्रीय मंत्रियों को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उन सबको मालूम था कि मोदी काले धन के खिलाफ बहुत बड़े योजनाएं लेके चल रहे हैं, सबको मालूम था जी। अच्छा, स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं पता होंगी। स्पेसिफिक चीज आप करोगे तो फिर तो एक बहुत बड़ा क्राइम बन जाएगा जी। सीक्रेसी का शपथ होता है जी, ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है जी, ये संवैधानिक दायित्व है, सीक्रेसी है। और अगर कोई ईमानदारी से संविधान की मर्यादाओं का पालन करे तो आपकी नजर में वो सीक्रेटिव हो गया और वो निकम्मा हो गया। ये सोच कैसे चल सकती है देश में? आप देश को गर्व होना चाहिए भाई, हाँ देश को एक प्रधानमंत्री ऐसा मिला है कि जो संविधान में उसने जो शपथ ली है उस शपथ का ईमानदारी से पालन कर रहा है, गर्व होना चाहिए। नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। बस हमने बस ये कहा कि ऐसा जो आपके जो आप हिंट जरूर देते हैं लेकिन एक सरप्राइज एलिमेंट है। मैं अभी भी बताता हूं, आप लोगों ने सुनी सुनाई बातों से मोदी का एनालिसिस करते इसलिए गलती होती है। बाकी अगर मोदी क्या करेगा वो परफेक्ट स्टडी करोगे तो आप आराम से तय कर, हाँ ऐसा हुआ जोर 10 दिन के अंदर मोदी ये कुछ करेगा। कुछ करेगा विषय अलग है, वो क्या करेगा वो तो मैं क्यों आपको पता चलने दूंगा, लेकिन आप इतना तो अनुमान लगा सकते हैं कि जरूर कुछ करेगा। नहीं, मेरा 5 साल में ये आज आपसे तीसरा इंटरव्यू है तो मैं भी इन सारे कॉन्वर्सेशंस के दौरान काफ़ी कुछ समझ पाया कि आप किस तरीके से काम करते हैं और कैसा आपके पीछे जो जो दिमाग चलता है आपका, वो किस कैसे फैसले आप लेते हैं। तो प्रधानमंत्री यहाँ बता रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी, कि वो इशारे ज़रूर देते हैं, वो हिंट ज़रूर देते हैं और लोगों को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला। इस बार भी इशारा उन्होंने ज़रूर दिया, लोगों को ये तो लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन वो क्या होगा वो लोगों को आज पता चला। जम्मू कश्मीर में परिवारवाद की राजनीति करने वाले सभी बड़े नेताओं को इस समय हिरासत में ले लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इस वक्त हिरासत में है, जो लोग केंद्र सरकार के फैसले पर इतनी हाय तौबा मचा रहे हैं दरअसल उन्हें वास्तविकता का कोई अंदाजा ही नहीं है। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने आज पूरे देश को धारा 370 के मुद्दे पर करीब 25 वर्ष पुरानी एक बड़ी दिलचस्प घटना की याद दिलाई, जब वो पाकिस्तान के दौरे पर गए थे और उस वक्त पाकिस्तानी ओपिनियन मेकर्स ने, वहां के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने उनसे ये कहा था कि अगर भारत सरकार जम्मू कश्मीर से धारा 370 के प्रावधान को खुद ही समाप्त कर देगी तो कश्मीर की सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा, ये भारत सरकार के हाथ में है। लेकिन इन 25 वर्षों के दौरान भारत की किसी भी सरकार ने इस दिशा में कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उस भूल में सुधार करते हुए जम्मू कश्मीर को एक नया जीवन दान दिया है जिसमें उज्ज्वल भविष्य की झलक दिखाई दे रही है। अंदर से गदगद हो गया और इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और इस सरकार को एक इंडिपेंडेंट मेंबर होने के नाते बहुत बधाई देता हूं कि आपने ये अमेंडमेंट लाए। इसका कारण भी सभापति महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगा। 1994-95 में पाकिस्तान में जनरल चुनाव थे, वहां की पार्लियामेंट के चुनाव थे, वहां की सरकार ने उसके बाद हम लोगों को वहां पे एज ए स्टेट गेस्ट बुलाया और मुझे वहां की जो जुडिशरी समिति है, उनकी एक एसोसिएशन है जुडिशियल समिति, उन्होंने मुझे वहां पे डिनर पे बुलाया और बात चर्चा करते करते उन्होंने एक जिक्र किया कि अगर आपकी सरकार वहां पर धारा 370 खत्म कर दे तो कश्मीर का विषय ही आपके यहां से खत्म हो जाएगा। ये बात महोदय 1994-95 की। वहां से वापस आने के बाद मैंने सभी राजनीतिक दलों में मेरे जो मित्र हैं
और मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से अधिक मेरे मित्र कांग्रेस पार्टी में है, उन सबसे पूछा, सभी पार्टियों से पूछा कि भाई ये धारा 370 क्यों आप हटा नहीं रहे हैं। सबने ये कहा कि हटानी चाहिए, लेकिन ये एक बड़ा पॉलिटिकल इश्यू है, इसके अंदर पॉलिटिकली किसी को सूट नहीं करता, हमको सूट नहीं करता, इसलिए हम नहीं हटा रहे। तो ये एक बात जब थी और उस बात को मुझे आज सुबह याद आया, तभी मैं आपको साधुवाद दे रहा हूं कि आप ये बिल लेके आए और बहुत अच्छा किया। कश्मीर में नारा चलता था, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। आज उस उन हजारों बहनों ने, भाइयों ने, नौजवानों ने जिस खून से सींचा था, आज उस खून को आपने अपने पांव तले रोंद दिया है और आपने वो इतिहास मिटा दिया है। मैं भारत का इतिहास और हिंदुस्तान के लोग जो अच्छी सोच रखने वाले हैं, जिनकी सोच सिर्फ वोट पर नहीं होती है, जिनकी सोच देश के लिए होती है, देश के उत्थान के लिए होती है, देश की यकजहती के लिए होती है, देश की सलामती के लिए होती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए जिनकी सोच देश भर में हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों की है, वो कभी भी आपके इस काले कानून को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे आप मेजोरिटी से, आप अपनी ताकत के बलबोते से कानून लाएंगे, लेकिन इसको लोगों के दिलों में उतारने में आप ना सफल होंगे। इतिहास बताएगा कि क्या ये इतिहास पे धब्बा था, क्या संघीय ढांचे पे धब्बा है, क्या हमारी संविधान की रूह को आपने खत्म की कोशिश करने की कोशिश की, ये फैसला अब इतिहास करेगा। अगर मान लीजिए अगर कहीं कश्मीर में अशांति हुई, अभी तो कंट्रोल में स्थिति थी, बहुत ज्यादा कंट्रोल में हो गई, पहले से बहुत बेहतर स्थिति हो गई, इसमें दो राय नहीं, लेकिन अब हमें संदेह है, आशंका है इस बात की कि वहां अशांति हो सकती है, क्योंकि और आज के इस खास मौके पर संसद भवन को भी आज सजाया गया है। इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, इस समय भारत का संसद भवन कुछ इस तरह रंगीन रोशनी में जगमगा रहा है। ये देखिए, राज्यसभा में अनुच्छेद 370 पर पेश किए गए संकल्प को लेकर और धारा 370 को हटाए जाने की खुशी में संसद में आज खास सजावट की गई है। संसद को आज कुछ इस तरह रंगों से सजाया गया है और जैसा हम आपको बता रहे थे कि आज का दिन बहुत खास दिन है, बड़ा दिन है, जश्न मनाने का दिन है। वैसे तो स्वतंत्रता दिवस 10 दिन के बाद आएगा 15 अगस्त को, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए और बाकी देश के लिए आज भी, आज की शाम भी स्वतंत्रता दिवस से कम नहीं है। आज भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया है और ये उसी की खुशी में की गई जगमगाहट है संसद भवन पर इस समय। किसी भी देश और उसके राज्यों के अच्छे दिन तब आते हैं जब वहां पर आर्थिक तरक्की होती है, विकास के नए रास्ते खुलते हैं और लोग खुश होते हैं, लेकिन पिछले 72 वर्षों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों ने विकास के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये लोग जम्मू कश्मीर को राज्य नहीं बल्कि अपनी निजी संपत्ति समझते थे, जितने बड़े बड़े खानदान थे। अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के अलावा कांग्रेस परिवार ने भी कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर को अपने तौर तरीकों से चलाया, लेकिन किसी ने भी जम्मू कश्मीर की तरक्की के बारे में सोचा नहीं। गृह मंत्रालय के मुताबिक जम्मू कश्मीर में संघर्ष के दौरान करीब 41,000 लोगों की जान जा चुकी है, इनमें आम लोगों के साथ सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल हैं। कश्मीर को अशांत रखने की कोशिश पाकिस्तान के इशारे पर होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिवारों ने कभी पाकिस्तान को इसके लिए कटघरे में खड़ा नहीं किया, बल्कि ज्यादातर नेताओं ने हमेशा पाकिस्तान के साथ बातचीत की पैरवी की और ये भी धमकी देते रहे कि अगर हमारी बातें नहीं मानी तो पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे। यानी कश्मीर में सेना के जवानों और आम लोगों का खून बहता रहा और पाकिस्तान प्रेमी गैंग इस्लामाबाद के इशारों पर नाचता रहा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं दिया, बल्कि हमारे ही देश में बैठे कुछ सियासी बड़े परिवारों ने भी अपने हितों के लिए जम्मू कश्मीर का बहुत दोहन किया।
इन तमाम नेताओं ने और खानदानों ने आर्टिकल 370 की मदद से जम्मू कश्मीर को एक तरह से हाईजैक करके रखा हुआ था। ये लोग खुद तो अपने वीआईपी स्टेटस का फायदा उठाते रहे, लेकिन कश्मीर के लोगों को इन्होंने कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया। आज देश के गृहमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ब्लैकमेल करने वाले इन राजनीतिक परिवारों की भी पोल खोल दी। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में कुछ आंकड़े आज पेश किए और ये बताया कि कैसे पिछले 72 वर्षों में अनुच्छेद 370 के सहारे जम्मू कश्मीर को विकास से दूर रखा गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक साल 2004 से 2019 के बीच यानी इन 15 सालों में जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार की तरफ से 2,77,000 करोड़ रुपए की मदद मिली। लेकिन जम्मू कश्मीर अगर आप जाएंगे तो आपको वहां की हालत देखकर ऐसा लगेगा नहीं कि इस पैसे का इस्तेमाल वहां पर हुआ हो। वर्ष 2011 से 12 के बीच केंद्र सरकार ने देश के विकास के लिए प्रति व्यक्ति 3,683 रुपए खर्च किए, जबकि इसी दौरान जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति 14,255 रुपए खर्च किए। यानी आपके मुकाबले, अगर आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, आपके मुकाबले जम्मू कश्मीर के एक व्यक्ति को लगभग 4 गुना ज्यादा पैसा उसके ऊपर खर्च किया गया। इसलिए कहते हैं कि वो खास है, इसलिए कहते हैं वो स्पेशल है। इतना ही नहीं, 2017-18 में भारत सरकार ने प्रति व्यक्ति 8,227 रुपए खर्च किए, यानी आपके ऊपर 8,227 रुपए खर्च किए, जबकि जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति के हिस्से में 27,358 रुपए आए। इतना पैसा मिलने के बाद भी जम्मू कश्मीर में विकास और शांति नजर नहीं आते। इसकी सबसे बड़ी वजह अनुच्छेद 370 ही है। संविधान के इस आर्टिकल का इस्तेमाल कैसे जम्मू कश्मीर के कुछ राजनीतिक परिवारों ने अपने हित साधने के लिए किया, ये जानने के लिए आपको राज्यसभा में अमित शाह के जवाब का एक छोटा सा हिस्सा आज सुन लेना चाहिए। चंद लोग जो एक तीन परिवार के साथ जुड़े हैं, उन्होंने सीमेंट की एजेंसियां ले ली, लोहे की एजेंसियां ले ली। माननीय मैं बताना चाहता हूं, सीमेंट वहां पर देश से 100 रुपया प्रति थैली महंगा है, 100 रुपया प्रति थैली। क्यों? क्योंकि किसी को बिजनेस करने की वहां परमिशन नहीं, स्पर्धा ही नहीं होती है। और ये तीन परिवार का आशीर्वाद जिस पर होता है वही बिजनेस कर पाता है। मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं, जो 370 की वकीलात करते हैं उनको, ये रुपया कहां गया? जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर ऑडिटर गया, एडमिनिस्ट्रेटर रखा, अच्छे अच्छे के चेहरों पर मैंने मान्यवर सर्दियों में पसीना देखा है। और ये जो हो हल्ला हो रहा है वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि हो रहा इसलिए हो रहा है कि अब जांच शुरू हुई, वहां राष्ट्रपति शासन है, जांच शुरू हुई है, इसलिए हो हल्ला। एक अंदाजे के मुताबिक जम्मू कश्मीर के जो कुल आबादी है वो देश की 1% के लगभग है, लेकिन जो पैसा वो लेते हैं वो देश के कुल फंड्स के 10% के आसपास है। अनुच्छेद 370 के हट जाने से न सिर्फ जम्मू कश्मीर की आर्थिक तरक्की के दरवाजे खुलेंगे, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भी अब आसान हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के मुताबिक हिंसा और आतंकवाद की वजह से साल 2017 में भारत को 55,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसमें कुछ और फैक्टर्स को भी अगर जोड़ लिया जाए तो यह नुकसान 1.19 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 80,00,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। अनुच्छेद 370 के हट जाने से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी। और इतना ही नहीं, हिंसा और आतंकवाद का दौर खत्म होने के बाद भारत को हर साल कई लाख करोड़ रुपए की बचत भी हो सकती है। यानी भारत चाहे तो 2024 से पहले ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अब कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद की जगह विकास की जमीन बनाया जाएगा। हालांकि आर्टिकल 370 और 35A को हटाए जाने का फैसला कुछ राजनीतिक दलों को रास नहीं आ रहा। गृह मंत्री के मुताबिक इन राजनीतिक दलों की असली दिलचस्पी कश्मीर के विकास में नहीं बल्कि निजी हितों में है, इसलिए ये लोग इस ऐतिहासिक फैसले का भी विरोध कर रहे हैं। ये जो आपको स्वप्न दिखाते हैं 370 से घाटी क्या हुआ का कोई भला नहीं होने वाला है, कुछ सियासतदानों का भला होने वाला है, कुछ पॉलिटिशियनों का भला। घाटी को कोई फायदा नहीं, कोई मुझे गिना दे क्या फायदा है, समझा दे क्या फायदा है। हाँ भाई बिजली मिल जाएगी, चलो 370 चालू रखो, टॉयलेट मिल जाएगा 370 चालू रखो, रोजगारी मिल जाएगी 370 चालू रखो, तनख्वाह 5,000 मिलती है 15,000 हो जाएगी 370 चालू रखो, और संस्कृति भाषा बाकी सारे राज्य इतनी सारी रियासतें जुड़ गई सबका संस्कृति भाषा विलोपित हो गया क्या?
आरोग्य हेल्थ उसकी भी हालत वहां पर खस्ता हाल है, क्योंकि जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है देश भर में, सरकारें इस देश का अकेली सरकार इस देश के हेल्थ को अप टू मार्क नहीं रख सकती। कई जगह पर पीपीपी मॉडल को स्वीकार किया गया, कई जगह पर प्राइवेट हॉस्पिटलों को लाया गया मान्यवर, मगर यहां ना पीपीपी मॉडल भी हो सकता है ना प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकता है। अगर किसी के प्रभाव से चले जाए तो चले जाए, मगर जब संपत्ति ही अपने नाम पर नहीं होती है तो कोई कैसे जाए? और क्या तर्क है इसके पीछे? आरोग्य को भी सुधरने नहीं देंगे हम? आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आ गई, मगर अस्पताल कहां? उसको 5 लाख रुपया उपयोग करने का अधिकार मिल गया, नर्स कहां, डॉक्टर कहां? 35 है, कौन डॉक्टर वहां जाएगा? इसके बच्चे को ना वहां वो मताधिकार है, ना वो अपना मकान खरीद सकता है, ना अपनी भूमि खरीद सकता है, ना अपनी ढंग से वहां रहकर मतदान प्राप्त कर सकता है। कौन विश्व का बड़ा डॉक्टर वहां जाकर रहेगा? मुझे जरा 370 की वकालत करने वाले बताएं, कौन मुंबई से डॉक्टर वहां जाकर रहेगा? ओडिशा में ढेर सारे डॉक्टर जाते हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक जम्मू कश्मीर की जनसंख्या 1,25,00,000 है, यानी भारत की कुल आबादी के 1% से भी कम। लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को मिलने वाली कुल आर्थिक मदद का 10% हिस्सा हासिल होता है, यानी आबादी है 1% और पैसा लेते हैं 10%। उत्तर प्रदेश से अगर हम तुलना करें तो आज आप हैरान हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में देश की 13% आबादी रहती है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से दी जाने वाली मदद का सिर्फ 8.2% हिस्सा ही उत्तर प्रदेश को मिलता है। यानी केंद्र से मदद पाने के मामले में कश्मीर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से भी बहुत आगे है। वर्ष 2017-18 में जम्मू कश्मीर का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDSP 1,16,637 करोड़ रुपए था। यह महाराष्ट्र, तमिलनाडु और यूपी जैसे राज्यों के GDSP का 1% भी नहीं है। जम्मू कश्मीर का 70% राजस्व केंद्र से आता है, बल्कि बहुत सारे लोग तो कैसे कहते हैं 80% केंद्र से आता है। यानी केंद्र से भरपूर आर्थिक मदद मिलने के बाद भी जम्मू कश्मीर एक गरीब राज्य ही बना रहा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि 72 वर्षों के दौरान उसे खस्ता हाल रखने की साजिश रची गई। कश्मीर में विकास इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि अनुच्छेद 35A की वजह से बाहरी व्यक्तियों और कंपनियों के लिए जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना नामुमकिन था। इसी वजह से जम्मू कश्मीर में ना तो कोई प्राइवेट अस्पताल खोल पाए, ना प्राइवेट शैक्षिक संस्थान खोले, ना प्राइवेट कंपनियां जम्मू कश्मीर में निवेश कर पाई। लेकिन अब अनुच्छेद 370 के हट जाने से जम्मू कश्मीर में भी विकास की धारा बह पाएगी। देश आजाद हुआ, देश भर में एवरेज कीमत 1 एकड़ की 3,000 रुपया थी। देश के कई हिस्सों में 30 लाख हो गए, कई हिस्सों में 10 लाख हो गए, कहीं पर 3 करोड़ हो गए, मगर 10 लाख से नीचे शहर के आसपास कहीं पर जमीन का दाम कम नहीं है। और आज जम्मू कश्मीर में क्या है, 3,000 से 30,000 भी नहीं हुआ। जिसके पास भूमि है उसका दाम क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि खरीदारी नहीं है, कोई खरीद ही नहीं सकता है। अब जब कोई खरीद नहीं सकता है तो दाम भला कहां से बढ़ेगा? भाई क्यों गरीब रखना चाहते? मैं पूछना चाहता हूं कि आप उस व्यक्ति को जिसके पास भूमि है उसको गरीब क्यों रखना चाहते? इसकी वेल्थ को क्यों नहीं बढ़ा? ये गरीबी जो वहां गई है, बढ़ी है, इसका मुख्य कारण धारा 370 और 35 है। मान्यवर, भ्रष्टाचार अथाह हुआ, करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार ने भेजा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, और कोई भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाले कानून वहां पर अप्लाई नहीं होने दे 370 का उपयोग। पूरी दुनिया मानती है कि कश्मीर की घाटी और लद्दाख जमीन पर का स्वर्ग, मगर वहां पर पर्यटन नहीं बढ़ा क्योंकि कोई भी अच्छा होटल वहां भूमि ही नहीं खरीद सकता, और भला कौन जाएगा बाद में? पर्यटन की संभावनाओं को सीमित करने का काम धारा 370 ने। जम्मू कश्मीर का दर्जा अब देश के दूसरे राज्यों की तरह ही हो जाएगा। श्रीनगर जैसे शहरों में अब भारत के लोग बेखौफ घूम पाएंगे, अब आप अपनी छुट्टियां श्रीनगर में मना पाएंगे, जम्मू कश्मीर के हिंदू और मुसलमान चैन की जिंदगी गुजार पाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि ये बात कश्मीर के नेताओं को हजम नहीं हो रही, अच्छी नहीं लग रही। सुरक्षा के नजरिए से पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती
उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश पर हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन ये नेता बंद दरवाजों के पीछे भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। महबूबा मुफ्ती ने एक ऑडियो मैसेज जारी करते हुए आज कहा है कि भारत की सरकार एक मुस्लिम मेजोरिटी वाले छोटे से राज्य से डर गई। महबूबा मुफ्ती जैसे नेता इस फैसले को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बयानों से साफ होता है कि इन नेताओं की दिलचस्पी जम्मू कश्मीर के विकास में नहीं, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के जरिए अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। आप पहले ये बयान सुनिए। आज 5 अगस्त हिंदुस्तान की जमहूरियत का सबसे काला तरीन दिन है, जब यहाँ की पार्लियामेंट में चोरों की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों से वो सब कुछ छीन लिया गया जो उन्हें इसी पार्लियामेंट ने दिया था। कई दिनों से यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद को ये कह के बढ़ाया गया कि अमरनाथ यात्रा और टूरिस्ट के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से अटैक होने वाला है। इतना बड़ा मुल्क और एक छोटी सी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट से डर गया और कश्मीर को एक खुली जेल बना दिया ताकि कोई भी इस नाजायज फैसले के खिलाफ आवाज ना उठाए। हिंदुस्तान के साथ हमारा इलाक एक बाइज़त मुआहिदा था जिसको आज खुद ही मरकजी सरकार ने इसराइल की तरह एक नाजायज कब्जे में बदल दिया। आज जम्मू कश्मीर के लोग ये सोचने के लिए मजबूर हैं कि हमारे लीडर्स ने पाकिस्तान को रिजेक्ट करके हिंदुस्तान के साथ जुड़ने का जो फैसला किया था वो शायद सही नहीं था, क्योंकि जिन शर्तों पे हमारे मुल्क के साथ मुआहिदा हुआ था वो शर्तें आज हिंदुस्तान ने खुद ही तोड़ दी। इसलिए हम कश्मीरियों को अपनी इज्जत और बका के लिए जदोजहद के अलावा और कोई रास्ता नहीं। कश्मीरियत के नाम पर ऐसे नेताओं ने वर्षों तक अपनी राजनीति की, वर्षों तक पैसा बनाया, बड़े बड़े भवनों में रहे और वीआईपी स्टेटस का पूरा मजा लूटा, इसलिए ये सारे नेता अब परेशान हैं। महबूबा मुफ्ती को यहाँ ये समझना चाहिए कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस यानी विशेष दर्जा देता था, लेकिन कश्मीर के नेताओं ने इस स्पेशल को सेपरेट कर दिया, सेपरेट समझ लिया। स्पेशल का मतलब होता है खास, जबकि सेपरेट का अर्थ होता है अलग। लेकिन जम्मू कश्मीर के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम खास नहीं हैं, हम तो अलग हैं। इसी कंफ्यूजन के सहारे 72 साल निकल गए। हम ऐसे नेताओं से आज ये कहना चाहते हैं, आपको खास बनाया गया था, अलग नहीं। आपको देश की संसद ने विशेष बनाया था, आपने समझ लिया कि आप अलग हैं, और देश की जनता के सामने भी इन नेताओं ने कभी सच आने नहीं दिया। लेकिन आज कश्मीर के पुनर्जन्म के साथ ही इनके झूठ का भी अंत हो गया और ये नेता और पाकिस्तान आज एक ही भाषा बोल रहे हैं। 72 वर्षों तक जम्मू कश्मीर के नेता राज्य को मिले स्पेशल स्टेटस का लाभ उठाते रहे। इन्होंने जम्मू समेत कश्मीर के बाकी हिस्सों पर ऐसे शासन किया जैसे ये इलाके इनके अपने उपनिवेश हैं। अंग्रेज चले गए तो ये आ गए। इन्होंने राज्य में रहने वाले लाखों लोगों को नागरिकता देना जरूरी नहीं समझा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और द जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स फोरम के मुताबिक 47वें बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर आए शरणार्थियों को राज्य से बाहर रहने पर मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, कश्मीरी पंडितों और सिखों को जबरदस्ती कश्मीर घाटी से बाहर निकाल दिया गया। LOC पर होने वाली फायरिंग से विस्थापित होने वाले लोगों को भी उनके हाल पर छोड़ दिया गया। आर्टिकल 370 और 35A के जरिए जम्मू कश्मीर की महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए। राज्य के बाहर शादी करने पर उन्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। लद्दाख के लोगों को भी कश्मीर से बनने वाली नीतियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे लद्दाख का विकास कभी हुआ ही नहीं। विस्थापित कश्मीरी पंडितों और लद्दाख के लोगों को छोड़ दिया जाए तो वर्षों से जम्मू कश्मीर में रहने वाले कई समुदायों को स्थायी नागरिकता नहीं दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा बन चुका है और यहाँ के नागरिकों का विकास भी देश के दूसरे राज्यों की तरह होगा। यानी अब कश्मीर वाकई में सच में धरती की जन्नत बन जाएगा। भारत सरकार का आज का फैसला जम्मू कश्मीर की किस्मत पलटने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि अब कश्मीर में न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा बल्कि दूसरे राज्यों के लोग व्यवसाय और रहने के लिए भी यहां जमीन खरीद पाएंगे। उद्योगों के लिहाज से ओवर क्राउडेड हो चुके पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों से अब प्राइवेट कंपनियां जम्मू कश्मीर शिफ्ट हो पाएंगी। इसके अलावा राज्य की स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सेवाएं भी बेहतर होंगी। इसके अलावा कश्मीरियत के नाम पर आम जनता से धोखा करने वाले नेताओं की दुकानें अब बंद हो जाएंगी। पाकिस्तान की शह पर पलने वाले अलगाववादी नेता
अपना नफरत वाला व्यापार अब नहीं चला पाएंगे और इस्लाम के नाम पर अब कश्मीर के युवाओं को बहकाना उतना आसान नहीं होगा। अब राज्य के लोगों को रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे, आर्थिक तरक्की मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। जो लोग आर्टिकल 370 को तुष्टीकरण और इस्लाम के साथ जोड़कर वोट बटोरते आए हैं, उन्हें कश्मीर के युवा अब आईना दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर की पहचान अब अलगाववाद की फैक्ट्री के तौर पर नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर राज्य भारत के विकास का इंजन बन जाएगा। आज सरकार के विरोधियों ने भी अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर उनका साथ दिया। अब सोचिए कैसे कैसी पार्टियां आज इसके साथ आ गई हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, बीएसपी, वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल, टीडीपी, एआईएडीएमके, आज ये सारी पार्टियां सरकार के साथ थी। लेकिन अब तक इस मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बिल्कुल मौन हैं, यूपीए के अध्यक्ष सोनिया गांधी भी बिल्कुल चुप हैं। इस बीच कांग्रेस को आर्टिकल 370 के मुद्दे पर आज बड़ा झटका लगा। असम से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भुवनेश्वर कलिता ने आज राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। कलिता राज्यसभा में पार्टी के चीफ व्हिप हैं। कलिता ने इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया है और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर उन्हें व्हिप जारी करने को कहा था, लेकिन यह देश की जनभावना के खिलाफ है। मैं आपको उनका एक चिट्ठी पढ़कर दिखाना चाहता हूं। आज देखिए कांग्रेस के एक नेता ने राज्यसभा में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा, टुडे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैज इशूड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्हिप इन द राज्यसभा व्हेन लार्ज सेक्शन ऑफ द नेशन हैज कम आउट सपोर्टिंग स्टेप्स टू इंटीग्रेट द नेशन एंड क्रिएट डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर। टुडे आई फील दैट दिस इज नॉट द कांग्रेस दैट आई हैड जॉइन डेकेड्स बैक एंड प्रेजेंट सिनेरियो इज वरीसम। माई कॉन्शियंस डज नॉट अलाउ मी टू बी अ पार्ट ऑफ सच नेगेटिव डेवलपमेंट्स एंड स्टिल कंटिन्यू इन द कांग्रेस पार्टी। I and many within the party are disillusioned with the leaderless state of the party, which will ultimately ruin the party. इसलिए उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। यानी जो मूड है, एक पब्लिक जो मूड है, नेताओं में भी जो मूड है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, अंदर ही अंदर सब मानते हैं कि जो हुआ ठीक हुआ। और एक बड़ी बात यह है कि अब जो राजनीतिक दल कश्मीर को लेकर इस कदम का साथ नहीं देगा 2024 में, उसको हमें नहीं लगता कि अगले चुनाव में कोई सफलता मिलेगी या उससे अगले चुनाव में भी उन्हें कोई सफलता मिल पाएगी, क्योंकि देश का मूड अब बदल चुका है। अनुच्छेद 370 पर हमारा ये अंक जारी रहेगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
अब बड़ी बात यह है कि जो आज हुआ वो पिछले 70 वर्षों में किसी और सरकार ने करने की कोशिश क्यों नहीं की, किसने उन्हें रोका था। इस दौरान हमारे देश में 22 बार केंद्र सरकारें बनी, केंद्र में अलग अलग सरकारें आई, अलग अलग पार्टियों की, अलग अलग प्रधानमंत्री आए। इससे पहले 16 लोकसभा चुनी गई, ये 17वीं लोकसभा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले देश ने 14 और प्रधानमंत्री देखे जो अलग अलग पार्टियों से आए थे, लेकिन किसी ने भी अनुच्छेद 370 को हटाने की पहल अभी तक नहीं की। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या मजबूरी रही होगी, और मजबूरी थी राजनीतिक, मजबूरी थी वोट बैंक से जुड़ी हुई। और हमारे देश के जो ज्यादातर लोग थे वो जो नेहरू की जो नीतियां थी कश्मीर को लेकर उससे बहुत प्रभावित थे, क्योंकि ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकारें रहीं, इसलिए वो नेहरू की नीतियों को ही आगे लगातार बढ़ाते चले गए। उन्होंने इसे हटाने के बारे में कभी सोचा नहीं। और दूसरी बात ये थी कि देश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी जैसी जो दूसरी पार्टियां थी उन्होंने कश्मीर को इस्लाम से जोड़ दिया और मुसलमानों के ध्रुवीकरण से उन्होंने उसको जोड़ दिया। इसके जरिए वो ध्रुवीकरण किया करते थे और मुस्लिम अपीजमेंट जो है मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करते थे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक और कश्मीर के इस मुद्दे को जोड़ दिया। हमारे देश में 565 से ज्यादा राजा रजवाड़े और रियासतें थी आजादी से पहले। अंग्रेजों ने इन सभी को यह छूट दी थी कि वो भारत या पाकिस्तान में से किसी एक देश को चुन सकते हैं। उस वक्त कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह हुआ करते थे, वो एक मुस्लिम बाहुल राज्य के हिंदू राजा थे। आजादी से पहले वर्ष 1941 के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों की आबादी 72.4% थी, जबकि हिंदुओं की आबादी 25% थी, लेकिन राजा हरि सिंह हिंदू थे। कश्मीर की रियासत भारत और पाकिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच थी। एक तरफ कश्मीर पर पाकिस्तान के हमले और कब्जे का डर था और दूसरी तरफ महाराजा हरि सिंह की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। राजा हरि सिंह कश्मीर को स्विट्जरलैंड जैसा एक अलग देश बनाने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की मदद से कबायलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से उस समय मदद की अपील की। भारत सरकार ने उनके सामने विलय की शर्त रखी। अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने इस शर्त को मान लिया और भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। कश्मीर में एक पक्ष कश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला का भी था, जो कि फारूक अब्दुल्ला के पिता थे। शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय नेता थे, खास तौर पर उन्हें जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का समर्थन हासिल था। मार्च 1948 में राजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और उस वक्त भारत के संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा था। शेख अब्दुल्ला को भी संविधान का प्रारूप तैयार कर रही इस संविधान सभा में शामिल किया गया और संविधान सभा में कश्मीर पर लंबी बहस हुई। ये निष्कर्ष निकाला गया कि संविधान के इसी आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा और इसी स्पेशल स्टेटस का वहां के नेताओं ने 70 साल तक फायदा उठाया। इस स्पेशल को उन्होंने सेपरेट समझ लिया। 17 अक्टूबर 1949 को कश्मीर मामलों को देख रहे मंत्री गोपाल स्वामी अयंगर ने भारत की संविधान सभा में अनुच्छेद 306A पेश किया और वर्तमान में इसी को अनुच्छेद 370 कहा जाता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि अयंगर ने यह प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की मर्जी से रखा था। पंडित नेहरू के इस फैसले के पीछे शेख अब्दुल्ला से उनकी दोस्ती भी थी और इतिहास के कई विद्वानों का यह भी मानना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को लेकर काफी भावुक थे कि कश्मीर एक मुस्लिम बाहुल इलाका है, इसके बाद भी वो भारत में शामिल होना चाहता है, इसलिए कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जाए और वो भारत का जो धर्म निरपेक्ष कैरेक्टर है उसमें बिल्कुल उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इस स्पेशल स्टेटस की वजह से वहां के जो मुसलमान हैं उन्हें सुरक्षा का भाव महसूस होगा। आर्टिकल 370 के मूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू की यही भावना थी, जिसे प्रबल करने का काम उनके राजनीतिक दोस्त शेख अब्दुल्ला ने किया और उसके बाद अब्दुल्ला परिवार लगातार कश्मीर पर शासन करता चला गया। पहले शेख अब्दुल्ला, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2/3 बहुमत से ज्यादा से पास हुआ है। इसके पक्ष में 186 सांसदों में से 125 सांसदों ने समर्थन किया जबकि 61 ने विरोध किया। यह बहुत बड़ी बात है और अनुच्छेद 370 को लेकर अब आपको हम MSD वाला फॉर्मूला बताते हैं। MSD आप समझते होंगे अक्सर महेंद्र सिंह धोनी के लिए इस को प्रयोग किया जाता है MSD का, लेकिन यहां MSD का मतलब है M for मोदी, S for शाह
और डी फॉर डोवल, ये है एमएसडी फॉर्मूला। अनुच्छेद 370 को खत्म करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति उन्होंने दिखाई, यानी फैसला उनके हाथ में था, उन्होंने फैसला लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा होमवर्क किया, ग्राउंड वर्क तैयार किया, जमीनी पूरी जो रोड मैप है वो तैयार किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने जमीनी स्तर पर काम करके इस प्लान को कामयाब बनाने का रोड मैप तैयार किया, पूरा ग्राउंड वर्क उन्होंने किया और वो कश्मीर में रहकर भी आए, पूरी तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया। ये तीन लोग हैं जिसको आप कह सकते हैं कि ये वो त्रिमूर्ति है कश्मीर में, तिरंगे के पीछे यही त्रिमूर्ति है। जबकि कानून में क्या संशोधन किया जाएगा और कानून संविधान के किस जरिए, किस रास्ते से ये काम होगा, ये काम कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को दिया गया था। तो डीएनए में आज इतना ही, अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा याद रखिए, किसी भी देश के इतिहास में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब वहां की जनता इतिहास बनते हुए देखती है। आज हमारे देश के लिए ऐसा ही एक मौका है। आज अनुच्छेद 370 को इतिहास के कूड़ेदान में फेंककर भारत ने एक नया इतिहास बनाया है। आने वाली पीढ़ियों को आप गर्व के साथ ये बता सकेंगे कि इस ऐतिहासिक पल के आप भी गवा रहे हैं, ये सब आपके सामने हुआ है। नमस्कार।